बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है। इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म रेस 3 की शूटिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन फिल्म रेस 3 के साथ ही दो और बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल यानी 2018 में सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज होगी। कुछ दिन पहले फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ईद 2018 में ऐश्वर्या राय की फिल्म भी रिलीज होगी। अब खबरें हैं कि इस दोनों फिल्मों के साथ हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड भी रिलीज होगी। सलमान खान अपनी ज्यादातर फिल्में ईद पर रिलीज करते हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर उनके हिसाब से बहुत फीकी रह गई थी। सलमान की फिल्मों के मुताबिक उनकी इस बार की ईद रिलीज ठंडी पड़ गई थी, जिससे प्रोड्यूसर निराश हो गए थे। वैसे ही इस बार भी फिल्म रेस 3 को लेकर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स डर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म के साथ दो और फिल्म रिलीज हो रही है। रेस 3 में सलमान खान एक विलेन के किरदार में होंगे। पहली बार ऐसा होगा जब सलमान खान पर्दे पर विलेन बनकर नजर आएंगे, इसलिए भी लोग फिल्म देखने जाएंगे ही। फिल्म सस्पेंस और थ्रिलर से भरी होगी, बिल्कुल पहले वाली रेस और रेस 2 की तरह। फिल्म में सलमान के अलावा डेजी शाह और बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म को रेमाउ डिसूजा निर्देशित कर रहे हैं।